इंग्लिश में डाउट दोस्तों, तो ज्वाइन कीजिए मुझे। मेरा नाम है यश, मैं रिपेयर करूंगा आपके इंग्लिश के डाउट्स हिंदी में। तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। तो स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल इंग्लिश वर्कशॉप में। तो इंग्लिश वर्कशॉप में आज जानते हैं अपने आप को कैसे इंट्रोड्यूस किया जाए, खासकर इंटरव्यूज पर। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सफर इंट्रोडक्शन का। आप सभी ने सुना होगा, द फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। ये बात बिल्कुल सही है। इंटरव्यू पर जो पहला सवाल हमसे किया जाता है, इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, और इस पे अक्सर हम कंफ्यूज हो जाते हैं, कितना बोलें, क्या बोलें। तो इंट्रोडक्शन अपने आप में एक आर्ट है, कला है, जो हमें सीखनी होती है, अपने अंदर लानी होती है। तो इंट्रोड्यूस करने के लिए सबसे पहले तो हम बताते हैं अपना नाम। तो नाम बताने के दो बेहतरीन तरीके, ग्रामेटिकली करेक्ट तरीके, एक माई नेम इज रोहित, अगर किसी का नाम रोहित हो तो, या दूसरा तरीका आई एम रोहित। बस और कोई तरीका नहीं होता। नाम बताने के दो बेहतरीन तरीके, माई नेम इज रोहित, आई एम रोहित, लेकिन माई सेल्फ रोहित, और दिस इज रोहित, और पीपल कॉल मी रोहित, और यू मे कॉल मी रोहित, और माई गुड नेम इज रोहित। ये इस तरह की बदतमीजी इंटरव्यू पे नहीं की जाती। यानी इस तरह नाम बताने के तरीके गलत हैं। तो दो ही तरीके, माई नेम इज रोहित, आई एम रोहित। तो आगे बढ़ते हैं। दूसरे नंबर पर आता है आपकी क्वालिफिकेशन। जो भी आपकी प्रेजेंट क्वालिफिकेशन है वो हम बताएंगे, कैसे आई एम 8th स्टैंडर्ड फ्रॉम हरियाणा बोर्ड, दूसरा तरीका आई एम मैट्रिक फ्रॉम सीबीएसई बोर्ड, और बोल सकते हैं आई एम 12th स्टैंडर्ड फ्रॉम सीबीएसई बोर्ड, और आई एम ग्रेजुएट इन आर्ट्स फ्रॉम डीयू, आई एम पोस्ट ग्रेजुएट इन हिस्ट्री फ्रॉम एमडीयू, आई एम बी टेक फ्रॉम डी क्रस्ट मुरथल, आई हैव अकम्प्लिश्ड माई एम बी ए फ्रॉम डी यू, और आई एम एम इन इंग्लिश विद बी एड फ्रॉम के यू। इस तरह से जो भी आपकी क्वालिफिकेशन हो वो आप बोल सकते हैं इनमें से। तो दूसरा जो पॉइंट होता है वो प्रेजेंट क्वालिफिकेशन बताने का होता है। आगे बढ़ते हैं। अगला है आपका प्रेजेंट जॉब, या प्रेजेंट जो भी आप कोर्स कर रहे हैं उसके बारे में बता सकते हैं, जिसमें भी आप इन्वॉल्व हैं। प्रेजेंटली आई एम प्रसुइंग माई ग्रेजुएशन इन आर्ट्स फ्रॉम डी यू, ये बता सकते हैं। प्रेजेंटली आई एम वर्किंग विद अ मल्टीनेशनल कंपनी एज अ टीम लीडर। प्रेजेंटली आई एम रनिंग माई ओन बिजनेस ऑफ गार्मेंट्स। प्रेजेंटली आई एम प्रिपेयरिंग फॉर द एंट्रेंस टेस्ट फॉर एम बी ए। प्रेजेंटली आई एम प्रिपेयरिंग फॉर कंपेटिटिव एग्जामिनेशंस। और प्रेजेंटली आई एम टीचिंग एट ए पब्लिक स्कूल एज अ टीचर ऑफ इंग्लिश। उसके बाद प्रेजेंटली आई एम वेटिंग फॉर माई रिजल्ट ऑफ फाइनल एग्जाम्स। जो भी आप कर रहे हैं, प्रेजेंटली आई एम असिस्टिंग माई फादर इन हिज बिजनेस ऑफ गार्मेंट्स। प्रेजेंटली आई एम परस्यूइंग अ कंप्यूटर कोर्स ऑफ बेसिक लेवल। प्रेजेंटली आई एम डूइंग अ डिजिटल मार्केटिंग कोर्स फ्रॉम गूगल। प्रेजेंटली आई एम परस्यूइंग अ 2 ईयर फैशन डिजाइनिंग कोर्स। प्रेजेंटली आई एम वर्किंग विद एन एनजीओ। प्रेजेंटली आई एम परस्यूइंग माई एम एड फ्रॉम के यू। उसके बाद एक्सपीरियंस अगर आपका है तो आप बता सकते हैं। तो एक्सपीरियंस बताने के लिए कुछ तरीके, जैसे आई हैव 5 ईयर टीचिंग एक्सपीरियंस, आई हैव गॉट 3 ईयर एक्सपीरियंस इन डिजिटल मार्केटिंग, आई हैव बीन इन टू फोटोग्राफी फॉर 10 ईयर्स एट ए स्ट्रेच, और आई हैव एक्सपीरियंस ऑफ डेटा एंट्री फॉर 2 ईयर्स, आई हैव 7 ईयर एक्सपीरियंस इन मैनेजमेंट स्किल, आई हैव बीन मॉनिटरिंग दिस डिपार्टमेंट फॉर 3 ईयर्स, आई हैव 12 ईयर एक्सपीरियंस इन हैंडलिंग दिस बिजनेस, आई हैव 4 ईयर एक्सपीरियंस इन दिस प्रोफेशन। इस तरह से हम बता सकते। उसके बाद बताएंगे अपनी हॉबीज। हॉबीज हमारी बहुत सारी हो सकती है, म्यूजिक, ट्रैवलिंग, ड्राइविंग वगैरह वगैरह। तो पहला तरीका देखिए,
आई एम फॉन्ड ऑफ ट्रैवलिंग. फॉन्ड ऑफ, फॉन्ड का मतलब होता है शौकीन होना. और आई एम कीन ऑन लिसनिंग टू म्यूजिक, कीन ऑन का मतलब ही शौकीन होना. उसके बाद आई लव वॉचिंग मूवीज एंड रीडिंग बुक्स. और आई एम फॉन्ड ऑफ सिंगिंग एंड डांसिंग. उसके बाद आई एम कीन ऑन फोटोग्राफी. उसके बाद आई लाइक स्केचिंग एंड पेंटिंग. और कंपोजिंग पोएट्री हैज बिन माई पैशन बोल सकते हैं. उसके बाद आई एम पैशनेट अबाउट टेकिंग अप न्यू चैलेंजेस. और आई एंजॉय ड्राइविंग इन हिली एरियाज एट नाइट. इस तरह से कोई हॉबी हो वो बोली जा सकती है. आगे देखते हैं. उसके बाद फैमिली के बारे में बताएंगे हम. तो जो अनमैरिड मेल या फीमेल हैं वो कैसे बताएंगे. पहला तरीका, आई बिलोंग टू द फैमिली ऑफ फोर, आई बिलोंग टू द फैमिली ऑफ फाइव, सिक्स, जितने भी आपकी फैमिली में मेंबर्स हैं बता सकते हैं. उसके बाद माय फादर इज अ टीचर, डॉक्टर, फार्मर, जो भी हैं. और माय मदर इज अ होम मेकर या हाउसवाइफ, कुछ भी कह सकते हैं दोनों में से. और वी आर टू सिबलिंग्स, सिबलिंग्स भाई बहन होते हैं तो आपको मिलाकर जितने हैं वी आर टू सिबलिंग्स, वी आर थ्री सिबलिंग्स आप बता सकते हैं. उसके बाद माय यंगर ब्रदर इज परस्यूइंग हिज ग्रेजुएशन फ्रॉम डीयू, जो भी भाई बहन जो भी कर रहा है उसके बारे में आप बता सकते हैं. और अगर आप मैरिड मेल या फीमेल हैं तो उसके लिए आगे चलते हैं. अगर मैरिड मेल हैं तो आई बिलोंग टू द फैमिली ऑफ फोर, ये माय वाइफ इज अ होम मेकर या माय वाइफ इज अ टीचर. और आई हैव टू ऑफस्प्रिंग, ऑफस्प्रिंग संतान होता बच्चे होते हैं, आपके दो बच्चे हैं, तीन बच्चे जितने भी. और मैरिड फीमेल है तो वो बोल सकती है आई बिलोंग टू द फैमिली ऑफ फोर, माई हस्बैंड इज अ बिजनेसमैन, या जो भी कर रहे हैं वो बता सकते हैं. आई हैव टू ऑफस्प्रिंग, दो बच्चे हैं. तो इस तरह से बताया जा सकता है. आगे बढ़ते हैं कुछ इंपॉर्टेंट बातों पर. पॉइंट्स टू बी रिमेंबर्ड, कुछ पॉइंट्स है तो ध्यान में रखने हमें इंट्रोड्यूस करते वक्त. तो सबसे पहला पॉइंट क्या है, इंट्रोडक्शन शुड बी ब्रीफ एंड टू द पॉइंट. तो एक दो ब्रीफ, छोटा संक्षेप में होना चाहिए, टू द पॉइंट होना चाहिए. और यू शुड प्रोवाइड द ट्रू इंफॉर्मेशन, जो भी आप सूचना देते हैं अपने इंट्रोडक्शन में वो बिल्कुल सही होनी चाहिए. और अगली बात, यू शुड बी वेल प्रिपेयर्ड फॉर क्रॉस क्वेश्चंस पर्टेनिंग टू द प्रोवाइडेड इंफॉर्मेशन. तो जो भी इंफॉर्मेशन आपने दी है अपने इंट्रोडक्शन में उसके बारे में कोई क्रॉस क्वेश्चन करे तो उसके लिए आपको तैयार रहना चाहिए, पूरी इसकी नॉलेज होनी चाहिए. और डू नॉट यूज एंड अननेसेसरीली, एंड का इस्तेमाल बार 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 नहीं करना चाहिए, जहां जरूरत है वहीं करना चाहिए. और डू नॉट यूज एटसेट्रा एनीवेयर इन द इंट्रोडक्शन, अपने इंट्रोडक्शन में कहीं भी आपको एटसेट्रा इत्यादि इत्यादि नहीं बोलना है. इससे केयरलेसनेस शो होती है, दिखता है कि आप कितने केयरलेस, अपने बारे में जानते नहीं है. टू द पॉइंट होना चाहिए. उसके बाद डू नॉट साउंड ए मशीन और ए पैरट. तो जब आप सुनाते हैं इंट्रोडक्शन तो ऐसा नहीं लगना चाहिए आपने रट्टा मार रखा या मशीन बोली जा रही है. तो उसमें कुछ पिच अप डाउन होने चाहिए, रिदम होना चाहिए बोलने का एक तरीका, जैसे आप बातें कर रहे हैं. अगला, यू शुड बी मॉडरेटली पोलाइट एंड फास्ट, नाइदर ओवर पोलाइट नॉर टू फास्ट. ना जरूर से ज्यादा फास्ट बोलना है ना जरूर से ज्यादा पोलाइट होना है, बिल्कुल सही सही पोलाइट भी हो और स्पीड भी उसके हिसाब से होनी चाहिए जो आपके बोलने का नेचुरल तरीका है उसके हिसाब से. और योर इंट्रोडक्शन शुड नॉट एक्सीड 1 मिनट. तो 1 मिनट से ऊपर होना नहीं चाहिए, 45 seconds, 50 seconds, 1 मिनट तक हो सकता है. 1 मिनट से थोड़ा सा ऊपर चला जाए कोई दिक्कत नहीं, बहुत लंबा नहीं होना चाहिए. इंट्रोडक्शन मैंने बताया ब्रीफ यानी शॉर्ट और टू द पॉइंट होना चाहिए. और देयर इज डिफरेंस बिटवीन इंट्रोड्यूसिंग योर सेल्फ एंड स्पीकिंग अबाउट योर सेल्फ फॉर 5 मिनट्स. कभी कभी ऐसा बोला जाता है अपने बारे में 5 मिनट बोलिए, वो अलग चीज़ होती है, उसमें इंट्रोडक्शन तो होता ही है, बाकी अपनी इंफॉर्मेशन को डिटेल में बताया जाता है और ज़्यादा, ताकि 5 मिनट्स तक आप लगातार बोल सकें, वो अलग होता है. और इंट्रोडक्शन अगर आपसे कहा जाए देने के लिए तो आप सिर्फ यही इंफॉर्मेशन देंगे जो मैंने बताया. और द ऑर्डर ऑफ द पीसेस ऑफ इंफॉर्मेशन मस्ट बी मेंटेन्ड.
तो जो भी आप इंफॉर्मेशन देंगे उनका क्रम एकदम सही बंधा होना चाहिए, सही होना चाहिए, जो मैंने बताया, जैसे नेम, प्रेजेंट क्वालिफिकेशन, प्रेजेंट जॉब या कोर्स, एक्सपीरियंस, हॉबीज और फैमिली, इस तरह से ये क्रमबद्ध होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। एक नमूना पेश है, कोई रोहित नाम का लड़का इंट्रोड्यूस करना चाहे तो कैसे कर सकता है, देखिए। माई नेम इज रोहित, आई एम पोस्ट ग्रेजुएट इन हिस्ट्री विद बी एड फ्रॉम DU। प्रेजेंटली आई एम टीचिंग एट मॉडर्न विद्यालय एज अ टीचर ऑफ हिस्ट्री। आई हैव 5 ईयर टीचिंग एक्सपीरियंस। अपार्ट फ्रॉम दिस आई एम परस्यूइंग ए डिप्लोमा कोर्स ऑफ ट्रांसलेशन फ्रॉम इग्नो। आई एम फॉन्ड ऑफ रीडिंग बुक्स एंड राइटिंग आर्टिकल्स। आई बिलोंग टू द फैमिली ऑफ फोर। माई वाइफ इज अ होम मेकर एंड आई हैव 2 ऑफस्प्रिंग। दैट्स ऑल अबाउट मी, थैंक यू। इसी तरह आप अपना इंट्रोडक्शन तैयार कर कर बोल के देखेंगे तो आपको खुद को बहुत अच्छा लगेगा, सुनने वाले को भी अच्छा लगेगा और आप कॉन्फिडेंस महसूस करेंगे। बाकी इसके अलावा कोई इन्फॉर्मेशन मैंने ना डाली हो और वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। कोई क्वेश्चन हो वो कमेंट सेक्शन में आप लिख सकते हैं, तो उसके जवाब मैं आपको दूंगा और बताऊंगा कैसे बोला जा सकता है उस बात को। सब्सक्राइब करने के लिए बेल आइकॉन जरूर दबाएं और कमेंट सेक्शन में मैं बाकी वीडियोस के लिंक्स भी डाल रहा हूँ, तो जिन्होंने नहीं देखे वो देख सकते हैं। बाकी नए टॉपिक के साथ नई क्लास में फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए हैव ए नाइस टाइम।